मॉर्निंग हो गई है और पीछे हमारे करौची आ रही है, क्योंकि आज उसने नहाने के बाद ऐसा व्यक्त किया कि फुल करौची लग रही है एकदम। और वाह, डबल 3 9 2 9 2 3 1 फिर से कार्ड दे रहा हूँ, ये लिखा है नाम रोहित, देखो आप लिखा नहीं। हाँ हाँ, ये पर्स में रखे तो थे यार, भूल गए, चलिए आइए। रोहित भाई मैं कॉल करूँ, कोई बात नहीं है, रूम से बाहर निकल गए हैं दोस्तों, यहीं यहीं बैक करके कर दीजिए, चाबी ऊपर है। हमारे छोटे उस्ताद रेडी हैं चलने के लिए। कहाँ वहाँ जा रही हो? तो हमेशा गाड़ी में जाओगी क्या? हमेशा गाड़ी में जाओगी क्या? सोच रखी हो हमेशा गाड़ी में रहेगी क्या? ये हमेशा सोच रही कि गाड़ी में जाना पड़ेगा। और हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं, ई रिक्शा में। और हमारे सामने आपके बीच में काली जी बैठी हुई हैं। और होटल क्या ना, मिलते हैं दोस्तों। और जिस होटल में हम लोग रुके हैं, माँ भागीरथी है, माँ भागीरथी गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हैं। और जिसके जो है वहाँ के ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट टाइम में रोहित करके हैं। हम लोग हरी की पौड़ी जा रहे हैं नहाने के लिए, उस समय लाइव करेंगे नहाते वक्त, आप लोग देखिएगा वहाँ का नज़ारा। सेल्फी स्टिक से हमारे पास है जो कि हम लोग करेंगे, आखिरी क्वालिटी होगी वहाँ पे। पर्स में रखे हैं हम, अभी मैंने रखा है, और अगर वहाँ पे होगा तो हम तुमको वापस ऑटो से भेजोगे, जाओगे तुम सेल्फी स्टिक लाओगे तभी हम नहाएंगे, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुमको ही दिक्कत होगी, फिर यहीं से घर वापस चलना पड़ेगा। दोस्तों मिलते हैं वहाँ पे पहुँच के। हम लोग पहुँच गए हैं इस टाइम गरु घाट हरिद्वार। यहाँ पे साथ में चलो सबके, और हम लोग घाट पे पहुंच गए हैं, पैदल चल रहे हैं थोड़ी दूर क्योंकि गाड़ी पहले ही खड़ी हो जाती है। और वहाँ पे पहुँच के दिखाते हैं आपको ज़बरदस्त नज़ारा है गेट के अंदर एंट्री करते हुए। हम लोग जो है इस टाइम गेट पे पहुँच गए हैं, और ये देखिए महक महक के चल रही है धीरे धीरे, इसलिए हमको पीछे होना पड़ा। और आप लोग देख सकते हैं, ए थोड़ा सा उसको टांग लो, पकड़ो तो जूम करना है मुझे, उसको टांग लो, टांगने वाला नहीं है, टांग लो वैसे। और आप लोग देख सकते हैं ऊपर मंदिर है, और ये पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है। और हम लोग इस टाइम हरिद्वार में दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है एकदम गजब का। चलो करवाते हैं, अभी बताते हैं। और आप लोग देख रहे हैं पहाड़ों पे बने हुए मंदिर कितने गजब लग रहे हैं, और ये पद यात्रा करके जाने के लिए रास्ता भी बना है गजब का। और ऊपर जो मंदिर है बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे है, एकदम गजब का लग रहा है नज़ारा। और ये देखिए नदी बह रही है, वहाँ से हाँ और पानी का बहाव काफी मस्त पोजीशन में है, और ये पानी देखते हुए चल रही है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों, आप लोग देखें हरिद्वार। आज की वीडियो हम लोगों की हरिद्वार की है,
और कुछ ही घंटों में आपको एक नई जगह पे ले चलेंगे। फिलहाल तो आप हरिद्वार के घाट का दर्शन करिए। क्या हुआ नहाने के बाद जो है करेंगे, नहाने के बाद। वो मंदिर कितना ऊपर जबरदस्त है ना, पानी की तरह। और देख सकते हैं आप लोग गजब का स्पीड है पानी का, लेकिन पानी बहुत ही गंदा है। इसको गंदा नहीं बोलते, इस नदी का पानी ऐसे ही है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें आप लोग और देखते रहें एक से एक नज़ारे। पीछे क्यों छोड़ दो मेरी जान, पीछे क्यों छोड़ दो तुम्हें, तुमको साथ में चलना है। और हम लोग अभी चल रहे हैं घाट पे, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा गजब का है। और ये बगल में गंगा जी बह रही हैं। ये हरिद्वार ऐसी जगह है हमारे भारत में, ये चार धामों में से एक जगह है। और यहाँ पे आने का सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिलता है, 100 में 20% लोग केवल आ पाते हैं। तो हम लोग फाइनली आए और आपको, आप लोग भी आ चुके हैं समझिए, जो लोग वीडियो में बने हैं वो लोग भी, क्योंकि वो लोग भी इस समय लाइव देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मिलते हैं कुछ टाइम में, हम लोग एक ब्रिज पे पहुंचने वाले हैं। और ये सामने दिख रहा है छोटा सा ब्रिज टाइप का है, इधर आते हैं ना यहाँ किनारे, वही छाँव में रख देंगे कपड़ा, वहाँ छाँव में सब हो जाएंगे ना। वहीं पे आइए, अरे यहाँ खत्म हो गया घाट कहाँ, अरे खत्म हो गया उधर नहाते, बीच में बीच में लोग नहाएंगे, सिर्फ छाँव में सब उधर उधर ये सब धूप में बैठेंगी, नहीं धूप में बैठेंगे, इसीलिए तो कह रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा था वहाँ पे ना, नहीं नहीं वहाँ पे सामान रख के आराम से खड़े हो जाते सब पिलर के पास में, वहीं से खड़ा होना क्या। हाँ हम लोग इधर नहाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए आओ आओ उधर खड़े हो जाओ, उधर वहाँ पे आओ 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 आओ, तब उसके बाद आ रहे हैं। और दोस्तों हम लोग घाट के एकदम करीब पहुँचे इस टाइम, और हम लोग नहाने के लिए तैयार हैं। चलो मिल गया, देख सकते हैं गंगा जी पूरा एकदम बहुत ही तेज धारा में बह रही है। यहाँ पे जो है बॉर्डर लगाया गया है कि जो लोग नहाए इस ये जो स्टील का लगा है लोहा, इसके इधर ही रहें, उधर जाने पे बहने के चांसेस हैं, तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये सिस्टम लगाया गया है। और अब हम लोग नहाने जा रहे हैं, बीच के कैमरामैन ये हैं, नहाते वक्त एक दो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। जाइए जाइए जाइए,
नहा चुके हैं और देख रहे हैं वो क्यों जाएंगे, जाओ तुम। त्रिपुंड लग रहा है, तिरछा लगा दी इसको, त्रिपुंड तिरछा लगा दी। अरे त्रिपुंड लगाई तिरछा तो त्रिशूल क्यों मिटा दी? त्रिशूल है टेढ़ा। नहीं बेटा आप ठीक किए, हाँ ठीक है, ठीक हो गया। देख रहे हैं दोस्तों त्रिपुंड लग गया है और इस बच्चे ने लगाया है, पकड़िए हम लोग, नहीं ऐसा नहीं होगा। और हम लोग तो थोड़ा सा वीडियो पकड़िए, तो पकड़े थे। और हमारे उस्ताद इस टाइम हमारे साथ में हैं और वो दोनों गए हैं बाबू। बढ़िया था गाना, बढ़िया, वेरी गुड। और देख रहे हैं त्रिपुंड लगा के एकदम महादेव के जैसा लुक बन गया है। अब हम लोग यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं और आज काली जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या क्या फेंकोगी? क्या फेंकोगी मुझे, उठा पाओगी? और दोस्तों बाबू को लिया था, अठक के ना फेंक फाक दूंगा तुम्हें। अरे चप्पल मेरा क्या, चप्पल चप्पल कैसा था? हाँ भैया दे रहे, दे रहे, जा रहे हैं। कैसा चप्पलवा था, वो संडील पहने थे चप्पल। और दोस्तों हम लोग ऑटो में इस टाइम आ गए हैं और इसको बड़ी प्यास लगी थी। पानी पी रहे हैं ट्रेन में, इतना हम लोग सफर किए, पानी वाली की आवाज कान में गूंज के याद हो गई है। अब पानी कोई मांगता है, ठंडा पानी है। और बाबू भी इधर पानी को देख रहा है। और हम लोग पहुंचने वाले रूम पे, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ा सा नाश्ता पानी, और उसके बाद हम लोग तुरंत निकलेंगे एक नए सफर के लिए। दोस्तों हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में और यहाँ काफी टाइम हो गया है। ए बाबू इसमें 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 आधे घंटा वेट करने के बाद दोस्तों फाइनली जो है आ गया है। ये पकड़ो, खाने को दिखाओ अच्छे से, तब तक सबका ले लो ना मदर। और यहाँ पे जीजा जी हैं, ले लो, अगर 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 एक बोल करती रहो। और ये बड़े अच्छे से वीडियो शूट कर रही हैं। बाबू गिर रही हैं लगा था बाबू। ओए बैठ के मजा कर रहा है लड़का और हम लोग खा रहे हैं। तो पागल मारा ना जहाँ पे हम लोग बैठे थे, पागल उसके बाद कुछ भी नहीं था। मेरे लिए मतलब फिल्टर पानी मिले दोस्तों, झकेल मैं झकेल क्यों रही हूँ, साफ सफाई थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं खाने के बाद। लोग खाना पीना खा चुके हैं, अब यहाँ से समय बहुत कम है, निकलने वाले हैं। बाबू खाना खा रहा है, खा चुकी है, मैं खा पी के हाथ वगैरह धो चुका हूँ और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। भैया आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या है? बहुत ही अच्छी यहाँ पे सर्विस मिली और बहुत अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी हमने खाया है। और आप लोग जान लीजिए कि जितना पैसा लगा उस हिसाब से बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे मिला, बहुत ही बढ़िया। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, कमाल की सीन है। और आप लोग देख सकते हैं जो वीडियो में हम लोग वहाँ से घाट से देख रहे थे, भोलेनाथ की मूर्ति आसमान को छूती हुई। थोड़ा सा गाड़ी यहाँ से स्लो करिएगा, कितना सुंदर नज़ारा है भोलेनाथ का वहाँ पहाड़ियों में। और आप देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ी सब शुरू है और भोलेनाथ वहाँ है एक घाट के एकदम सामने।
नहीं नहीं दोहरी घाट का, दोहरी घाट का ऊंचा नहीं है ये, वो जगह के हिसाब से ऊंचा लगता है अभी। और प्लानिंग हम लोगों की हुई है मसूरी, हम लोग निकल रहे हैं, इंडिया की बेस्ट जगहों में से एक है मसूरी घूमने के लिए। बस कुछ ही टाइम में हम लोग पहुंचेंगे, घंटे दो घंटे में हम लोग मसूरी पहुंच जाएंगे, एक घंटे से दो घंटे के बीच में। देखते रहें, एक से एक सीन्स हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। और क्या आसमान, क्या बादल, क्या पहाड़ देख सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग इस टाइम मसूरी के हाईवे पे हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है और काफ़ी मज़ेदार सीन है, एकदम सपनों जैसा देखने को मिल रहा है। और आगे अभी पहाड़ी दिखने को मिली थी, अभी फिर से आएगी सामने। अभी हम लोग जो है ये जंगल के बीच से रास्ता बना हुआ है और हाईवे की टाइप का बना है, इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, बस सामने बस रास्ता दिख रहा है, बाकी देख सकते हैं हर तरफ पेड़ ही पेड़ है। देखते रहे, एक से एक सीन कमाल के। और देख सकते हैं मजा आ रहा है इसको पूरा, एसी में बाबू सो गया इस टाइम और सिस्टर कुछ सोच रही है, सोच रही है कि वीडियो बनाए करवा कर, वीडियो चढ़ी, वीडियो जाएगी यूट्यूब पे, ब्लॉगिंग के चैनल पे हमारे। और जीजा जी इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त ड्राइव करते हैं, गाड़ी हमेशा वन प्लस रहती है स्पीड। और आप लोगों ने देखा सीन बहुत अच्छी है यहाँ पे, नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग देख रहे हैं कि ये मसूरी का रास्ता, क्या ज़बरदस्त सीन है और मस्त एकदम पेड़ पौधे, कितनी हरियाली है। एक घंटा, एक घंटा के अंदर पहुँच जाएंगे। और दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो में मसूरी में, ये वीडियो यहीं पे मूव होगी, नया पार्ट आएगा अभी तुरंत कुछ टाइम में।